हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी मेकअप लुक, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक हेल्पफुल हो सकता है आने वाले जो फेस्टिवल हैं लाइक दिवाली, दुर्गा पूजा एंड करवा चौथ। तो आप इस टाइप का मेकअप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेकअप लुक। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें। ये मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ करा है लैक्मे का, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। आप इसको अपनी पूरी फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, जो कि है लैक्मे का प्राइमर। ये भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑन प्राइमर है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसको अपने पूरे फेस पे आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। लैक्मे का ये जो प्राइमर है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्राइमर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वो मैं कर रही हूँ लैक्मे की 925 सीसी क्रीम। मैंने यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ नहीं करा, आप चाहे तो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सीसी क्रीम करी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्रीम है। इसको आप एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये जो क्रीम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है। इसको आप अपने थोड़ा सा नेक एरिया पे अप्लाई कर लें और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे जो नेक का आपका एरिया है इसको बहुत अच्छे से कवर कर लें। इसके बाद मैं नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम कॉम्पैक्ट, जो कि मेकअप करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं ज़रूर कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ और मैं आपको भी कहती हूँ कि आप भी करिए जब आप मेकअप करते हैं तो कॉम्पैक्ट। मैं ये फिटमी का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यूज़ करा है ये कंसीलर। मैं कंसीलर बहुत कम यूज़ करती हूँ तो मैंने बहुत लाइटली कंसीलर यूज़ करा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से फिर ब्लेंड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप में मेरे जो साड़ी का कलर था रेड, इसमें मेरे पास रेड कलर नहीं था तो मैंने टू शेड्स को मिक्स करके उसके बाद एक शेड मैंने अपने आईज़ पे अप्लाई करा। थोड़ा सी डार्क ही मैंने शेड अप्लाई करा क्योंकि एक ये फेस्टिवल लुक है तो उसमें जो हमें लाइक लुक चाहिए, थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट वाला लुक चाहिए। तो उसके बाद मैंने यूज़ करा है ये लाइनर। ये मैंने यूज़ करा है लैक्मे का लाइनर, काफ़ी अच्छा लाइनर है। इसको मैंने थोड़ा सा थिक करके अपनी आईज़ पे अप्लाई करा है क्योंकि एक फेस्टिवल लुक आपको लगना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी जो लैसेज है उन्हें कर्ल कर लिया है क्योंकि मैं फेक लैसेज यूज़ नहीं करती। उसके बाद फिल करेंगे अपनी एब्रोज को। पहले मैंने अपनी एब्रोज को कॉम करा है, बोथ जो एब्रोज हैं उन्हें, उसके बाद मैंने उनको फिल करा है। मेकअप करते हुए आप एब्रोज ज़रूर फिल करें, ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। इससे जो आपका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने ये काजल यूज़ करा, लैक्मे का ही है ये काजल भी, काफ़ी अच्छा काजल है। उसके बाद मैंने हल्का सा ब्लश यूज़ करा है पिंक कलर का, मुझे पिंक कलर पर्सनली अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने अपनी चिक्स को हाईलाइट करा एंड नोज़ को बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने नेक्स्ट इसमें जो अपनी नोज़ है उसको भी हाईलाइट करा, फिर मैंने एक छोटी सी बिंदी अप्लाई करी और एक लेस रेड कलर की लिपस्टिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लुक है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद करते हैं हम हेयर पे अपना वर्क। तो मैंने हेयर्स में यहाँ पे जूड़ा बनाया है क्योंकि लाइक एक फेस्टिवल लुक है, साड़ी में तो जूड़ा भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा जूड़ा बनाया है, आप इस तरीके से जूड़ा ट्राई कर सकते हैं और अपने जूड़े को बहुत, जो जूड़े की क्लिप होती है उससे बहुत अच्छे से फिक्स कर लें। उसके बाद ये जो मैंने एक जो आर्टिफिशियल गजरा होता है ये मैंने मार्केट से लिया था, काफ़ी अच्छा गजरा है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और इसको आप सेम आप अपनी जो जूड़े की पिन होती है इससे बहुत अच्छे से अपने हेयर पर फिक्स कर लें, जिससे आपका जो गजरा है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो ये रेडी है मेरा जो जूड़ा है। और उसके बाद मैंने कुछ एसेसरीज ऐड करी हैं ज्वेलरीज में, एक हल्का सा छोटा सा नेकलेस, बट मैंने जो एयरिंग्स है वो मैंने थोड़ा हैवी इसमें वेयर करी हैं। तो ये रेडी है मेरा एक लुक साड़ी में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।